नाश पीटे, तू अपनी लुगाई की सेवा कर रहा तो? नाना अम्मा, तुमसे कौन ने कही ये बात? चमची ने बताई है जा बात। जा चमची ने अति कर रखी ससुर, तुरंत इतने की बात उते करती है। का हुआ, मुंह में सीमेंट भर गओ? बोल क्यों ना रहा हुआ है? ऐसो कछु ना है, बोल तो रहे। जब हमने मना किया हो तो कि तू लुगाई को कोई भी काम ना करेगो, फिर भी तू उसकी पीठ दबा रहा हो तो? अभी तक मम्मी पापा ना सो रहे हैं क्योंकि चाय नहीं आई ना। अरे आज चाय मिलेगी कि मंदिर के आगे बैठ जाए? जो अम्मा को नेक चाय बना के दे आओ। हाँ, नहीं तो अम्मा मंदिर में जाके पी ली है। तो तुम्हें कौन सा डॉक्टर ने मना कर दी चाय बना के? जाओ ससुर, एक हमारे लाने बना के ले आओ। बढ़िया, हमारे पीठ में दर्द हो रहा हो, वरना हम बना के दे आते। उठो। अरे यार, ये ते राजेश की पीठ में दर्द हो रहा हुए, ओते अम्मा ने हमारे गुर्दन में दर्द कर रखे हुए है, क्या कछु काम नहीं करने जाए तो कहाँ जाए ससुर? से तूने समझाओ हतो ना, तब भाई हमने हपुआ को बोल दो कि खबरदार जो तूने लुगाई का काम कियो तो। फिर इस बात के लिए हपुआ मान गया? अरे कैसे नहीं मानेगो, हम नींबू ना निचोड़ देंगे माँ के। पेनी अंकल है ना, उनकी जो मौसी है वो दादी से कह रही थी कि तुम्हारी बहू तुम्हारे बेटे से जितना भी काम करवा ले, लेकिन तुम उनको काम करने नहीं देना। अच्छा, तो जब खेल की असली खिलाड़ी बे हैं। तुम भूल गई हो कि हमें ना बड़े म्यूजिक डायरेक्टर ने चुना है। वैसे एक बात हम तुम्हें बता दे बहू, कि हम भी अपने टाइम के सिंगर थे। अगर तुम इतनी अच्छी सिंगर हो ना, तो तुम वो पप्पी लहरी के सामने गाए दो, का पता बुढ़ापे में तुम्हारी किस्मत चमक जाए। अम्मा, इसका मतलब है तू हमको चैलेंज कर रही है? ना ना अम्मा, मैं ऐसे कछु नहीं बोल रहे, लेकिन अगर तुम चैलेंज मान रही ना तो चैलेंज ही सही। ठीक है, फिर ले लियो चैलेंज, हम भी देखते हैं कि जा घर में कौन अच्छो गातो है। सिंगर बनना आसान ना है, वहाँ के लिए रियाज करना पड़तो है, मेहनत करनी पड़तो है। अरे नाना अम्मा, ऐसी बात ना है, अगर सुर पे तुम्हारी पकड़ हो ना, तो फिर कम रियाज से भी अच्छो सिंगर बनो जाते हैं। एक काम करते हैं बहू, जब वो पप्पी लहरी आएगो ना, तो दोनों बा के सामने गा के सुनाते हैं। अब ये देखनो है कि बा को किसको गानो पसंद आएगो। हाँ हाँ अम्मा, जो कर ले, जो अच्छा गए वो ही सेलेक्ट हो एल्बम में। का है फिर अम्मा, का बनने के बाद बताओ, का खाओगी का पियोगी बताओ? ना मांगू तुरई केला, ना मांगू कद्दू करेला, इनसे है नफरत बड़ी, भिंडी बना ले कुरकुरी कुरकुरी। भिंडी मजा न देगी, रायता मजा न देगा, तोरई संग ओ हप्पू जी, करेला ही मजा ही देगा। तुम अपनी अम्मा को रोक ले गाना गायबे से, नहीं तुम्हारी सारी दरोगा ये मिते ही निकाल दिए। नास पीटे, अब तू हमें सिखाएगो कि हमें का करनो है और का ना करनो है? तो अम्मा जामे हमने का गलत कह दो? असल में देखो जाए सोचो, जे उम्र में ना अम्मा जे अरमान पहुंचाइए, ऋषिकेश जानू, हरिद्वार जानू, गीता पढ़नू, है गंगा स्नान करनू, और बीच में टाइम मिले तो निकल लेनू। आप जो आए गिलाने आए, मुद्दे की बात करो। क्या है मासिमा, मैं पूरा दिन आपका और बोधी का दोनों का गाना बहुत सोचा। आप दोनों बहुत अच्छा गाता है, भीषण भाग सुर ताल एकदम सब परफेक्ट। किंतु क्या है, हमारा जो अभी एल्बम है उसमें एक ही सिंगर चाहिए, आप सबको पता है। तो सोच सोच के जो मैंने डिसाइड किया, फाइनली ये सोचा कि हमारा इस बार का एल्बम का सिंगर बनेगा। एक मौसी हती, हम और प्यार से बोलते थे चट्टू मौसी, जब हमारे साथ ही में रहती थी, तो सारू कौन हूँ ये खतु लौंडाला पाड़ी, बहुत ही बदमाश हतु साधु बेहुदा, बाने का करो भोली भाली मौसी को अपने जाल में फंसाओ, मतलब मौसी को पटा लो। अब जब मौसी की शादी शादी फिक्स करी, मौका ही वारदात पे भग गई मौसी। अम्मा को जो है ससुर की जी बात को उनको पता ना चल जाए, तुम्हारी जिद के चक्कर में हमें दुनिया को रायता फैल गो। रज्जो, तुम जब हमें ऐसी गरम गरम आंखों से घूरती हो ना, ऐसो घूरती हो जी सारे कपड़ा बिना प्रेस की स्त्री हो जाती है हमारी। अबे तो सिर्फ घूर ही रहे हैं हम, आओ बस चले ना, तो जई गरम आंखों से तुम्हें जलाए जला के फफोला बनाए दें। ऐसो कहोगे हमारी नील पर एक घुसा दिए ना, तो जगह पे नील पड़ जाए तुम्हारे। हमारे मामा को तुम बेल्ट से मारे हो।
अब समझ में आई हमें, जो राक्षसन जैसे हुए तैसे हंस के गए ना, जो यही ने तिल्ली लगाई है तुम्हें। शर्म नहीं आई हमारे मामा के बारे में ऐसे बोल रहे थे? हम कसम से कह रहे हैं रज्जू, तुम्हारे मामा के लाने हमने कछु ना बोली। का मतलब? नहीं मतलब जो कि जब हम ये बातें कर रहे थे, हमने खूब बोली है, तो तब पता ना हाथों कि तुम्हारे मामा हैं जिनके लाने हम बोल रहे कि कुत्तन जैसो घसीट घसीट के मारेंगे, बेल्ट से मारेंगे, बहुत गुस्सा भरो पड़ो तो। लेकिन हमें जैसे ही पता चलो कि अरे जी तो हमारी रज्जू के मामा है, हम आत्मग्लानी में भर गए, बहुत घुटन भैया में हमने सब अंदर ही अंदर पीला और अपने आप से यही मुंह से अपनी अंतर आत्मा से क्षमा मांगी कि जो का कह दी हमने जी तो अपनी मामा है। बस तुमसे जे ड्रामा करवाए लियो रज्जू, छोड़ो बिना ऐसे ही सुन लो, छोड़ो जी बातों को, हम जो कह रहे कि अपन दोनों मिलके जे बातें अम्मा के सामने ना कहें, मट्टी डारो ससुर मट्टी डारो, बात कहीं नहीं कहें। हमारे मामा ने प्यार करो तो तई सो ले गए भगाए के, कछु गलत ना करो। और तुम्हारी मौसी संगे भाग के गई है थी, हाँ दूध पीती बच्ची ना है, अपनी मर्जी से गई है बे। बिल्कुल सही, करेक्ट, ओके। लेकिन जब ये बातें होती हैं ना ससुरी, ये मोहल्ला में जब भगा भगाई होती है प्यार मोहब्बत के चक्कर में, तो जो दुनिया वाले सारे प्यार मोहब्बत ना समझती, भाग गए मतलब बेकार, भाग गए खराब है, कौन ना समझतो। तुम भी ना समझतो। क्या ना समझते बताइयो तो ना, तुमने तो खेल खेल में नौटिया पैदा कर दे। अगर हमें पता होत ना तो हम तुम्हें छोड़ देते। अरे दादा, अरे सुनो, अरे प्यारा करो, पैर हटा ले। अरे तुम खेल खेल में नौ नौटिया हो गए को का मतलब है यार? खेल खेल में हो गए क्या ससुर? जा औरत को नापनू खानू नापनू खुजानू, बस बात बात पे सुनानू। जी अब फिक्र रहिए, मैं उस प्रकाश जजूरिया को कहीं से भी पकड़ के लाऊंगा और आपके कदमों में डाल दूंगा, अपनों से बेल्ट से मारना। कि तुम्हारे मामा जी यहाँ आए भी और नए भी आए, मतलब आए घर में ऐसे देरी में ऐसे माथा टेक के चले जाते? नहीं नहीं नहीं, हम कह रहे हैं तुम्हारे मामा जी जो है इस शहर में तो आए, लेकिन इस घर में पहुंचे उससे पहले। तुझे इस खाली बटुए में से क्या चाहिए बेटा? वो जो अमीर अंकल है ना के परिवार की तस्वीर ये बटुए में, इसीलिए ये बटुआ उन्हें वापस करने जा रहे हैं। जल्द से जल्द मुझे अपनी बेटी से मिलवा दीजिए। राधा को अपना विरोध करता देख समुद्र राज रत्नाकर बनाते हैं राधा को बंदी, और दूसरी ओर अधर्म के मार्ग पर अग्रसर अश्वों से ब्रह्मपुत्रों को मुक्त कराने आए कान्हा और बलराम फंस जाते हैं सर्वशक्तिशाली अश्वों के मध्य। अश्वलोक में मनुष्य प्रवेश कर चुका है, ढूंढो उन्हें। मुझे अश्वलोक नहीं समस्या लोक लगता है, एक के पश्चात एक समस्या बढ़ जाती है। इससे पहले कि हम उन चार ऋषि कुमारों को खोजे, ये सारे अश्व हमें खोज लेंगे। अच्छा बहुत बोल गए हो तुम, क्या पता है तुम्हें मेरे खानदान के बारे में? जरा मैं भी सुनूं, क्या पता है तुम्हें? तुम्हारे प्यार के चक्कर में उन्होंने मुझे कितना धोया है, कितना मारा है उन्होंने। इनके डैडू, इनका भाई पुत्तन, एक नंबर के घटिया आदमी है। सच तो ये है कि आप उनकी सीधी सादी भोली भाली लड़की को फंसाए थे। मेरे साथ भी तो यही हुआ है, अरे चिकनी चुपड़ी बातें कर करके इस आदमी ने मुझे फंसा लिया। फंसाया तुमने था मुझे अपनी अदाएं दिखा दिखा के, एंड यू स्पाइक्ड माय ड्रिंक, यू रिमेंबर? यू यूज्ड मी, राधा मिसयूज्ड मी। हाँ जी, मुझे दो लोगों के लिए टेबल बुक करना था, कैंडल लाइट डिनर, बहुत सारे रेड रोजेस, सॉफ्ट म्यूजिक। अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ आपसे, जो कैंडल लाइट डिनर प्लान किया है क्या हम वो कैंसिल कर सकते हैं? माधव, मैं आपसे एक बात साफ साफ कहना चाहती हूँ, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी आपसे शादी करके। ये तू क्या कह रही? सच बोल रही, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है।